रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकामा एक्सपायर है जी, बदून कफील हैं, कंपनी से भागे हुए हैं, या हरूब है, या हज बस में है, या कोई भी कफील ने नजायज़ हरूब दे दिया है, जो कंपनी वगैरह आपकी सैलरी नहीं दे रही है। तो तमाम भाइयों के लिए मैं ऐसी न्यूज़ लाता रहता हूँ और आपको अपडेट करता रहता हूँ। यार देखें, हर मसले का कोई ना कोई तो हल होता ही है, कोई ना हल हो तो भाई ऐसे सीन भी मैंने देखे हैं पाकिस्तानियों के बनी माल में ना, जो नीम का दरख्त है, शायद आपको एक पिक्चर या वीडियो साथ में दिखा रहा हूँ मैं, इसके नीचे ना दोरियल की गाड़ियाँ अक्सर आकर खड़ी हो जाती थी, चेकिंग वगैरह लगा लेते थे, इसके नीचे आपको पता अक्सर बंदे भी खड़े रहते थे पकड़ाई देने वाले। तो फिर कोई हल ना हो तो ऐसे सीन भी देखे हैं कि पाकिस्तानी ना दौरियत की गाड़ी के आगे, उस टाइम मास्क की काफ़ी सख्ती थी, तो यकीन कीजिए वो ना दौरियत की गाड़ी के आगे आगे होकर मास्क उतार रहा है कि ये मुझको पकड़ ले और ले जाए मुझे डीपोर्ट कर ले। तो वो आगे से बोल रहा था चलिए जल्ला मास्क लगाओ निकलो इधर से, यानी कि वो पकड़ते नहीं है आपको पता, जिनके इकामे एक्सपायर हो बोलते ही पकड़ते हैं, घंटे पर छोड़ देते, बोलते इधर ही घूमो, अपने इकामे लगाओ फिर जाना है, या अपनी कफील कंपनी को बोलो आपके इकामे लगाए। ऐसे सीन भी होते हैं और कई बंदे ऐसे पकड़े जाते हैं, ये काम के ऊपर जा रहे हैं और पकड़े गए और डीपोर्ट कर दिया। यार वो बंदे होते हैं जो बदून कफील, यानी कि साय खसामल मंजिली वगैरह कफील से कुछ बातचीत की हुई है, बाहर काम कर रहे हैं, आपको पता है इनके ऊपर सख्ती होती है। जो बड़े महना वाले होते हैं ना बंदे, आम्बर वगैरह या कंपनीज वगैरह मुसस्सा वगैरह से भागे हुए या बाहर कहीं काम करते हुए, उनको भाई अगर पकड़ता है ना ये दौरियत वगैरह छूटता वाला, तो एक घंटे दो घंटे बाद छोड़ देता है, खासकर इकामा एक्सपायर वाले को। जो छोटे महना वाले होते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, बस ये तो आपको पता है जी। अच्छा, मसले का हल मैं बोल रहा था, मसले का हल होता है, एक न्यूज़ है इसके मतलब आपको बता देता हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सऊदी अरब में अपनी सख्ती कम हो गई है और आप जिधर मर्जी घूमें जाएँ आएँ, पाकिस्तान में तो ई नंबर नहीं निकल रहे हैं, पहले ही वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं, नए बंदे जा नहीं रहे हैं, जो पुराने बंदे वहाँ पर हैं जी वही एहतियात कर लें। आप कंपनी से भागे हुए हैं, क्यों भागे हैं, बात तो करने का मकसद ये है ना, कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही थी या क्या, कोई तो वही मकतबे अमल में जाए केस करें उनके ऊपर, फिर बाहर काम करें, आपके पास कोई सबूत प्रूफ भी हो, आपको शुरतर हो कि आप उसको वो मकतबे अमल के पेपर भी दिखाने वाले हो। आप बदून कफील आप पकड़े जाएंगे तो आपको डीपोर्ट ही करेंगे ना, फिर वो उनकी मर्जी है, छोड़ दिए नहीं तो डीपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है जी, वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं। एक इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो तरहील है जी, 12,375 अफराद तरहील यानी कि डीपोर्ट, पिछले 6 दिनों में 12,000 प्लस में बंदे सऊदी अरब से डीपोर्ट किए गए, सऊदी अरब से यानी कि आउटपास के तौर पर आप बोल रहे हैं उनको भेज दिया गया, और इनके ऊपर जो पाबंदी वगैरह वाला मामला होता है वो एक अलग से सिलसिला है, यानी कि अगर आप इस सूरत में पाकिस्तान में आते हैं तो आपके ऊपर कितने साल की पाबंदी होगी, ये एक अलग से मामला होता है, मैं मुख्तलिफ वीडियो में बता चुका हूँ। इसके लिए आप अपना मतार वाला पेपर चेक करवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने हमसे निकलवाना हो हमसे निकलवा लें, कहीं और से निकलवाना हो तो वो भी आपकी मर्जी है, आपका भाई वगैरह है मकतबे अमल में भेज दें, वहाँ से खुद भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। उस पेपर से कन्फर्म हो जाता है अभी आप कितने साल बाद दोबारा सऊदी जा सकते हैं या नहीं जा सकते या मुमकिन कब तक जा सकते हैं। अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल इकामा यानी कि जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर है इनके मतलब, तो 9,875 अफराद वो हैं जिनके इकामे एक्सपायर थे और गिरफ्तार किए गए पिछले 6 से 7 दिनों में। अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर होते या निकलते हुए, तो वो है जी 4,784 अफराद वो बंदे पकड़े गए जी। अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल यानी कि बदून कफील यानी कि साय खास अमल मंत्री वगैरह वाले बदून कफील शिकस्त एग्रीमेंट करके बाहर कुछ काम करते हुए पकड़े जाएं, तो वो है जी 2,433 अफराद, 2,433 अफराद हुए जी। टोटल की बात करें तो वो टोटल क्या जी, इस वक्त 17,092 अफराद भाई पिछले 6 से 7 दिनों में सऊदी अरब से गिरफ्तार किए गए हैं, जो न्यू वीज़ा के तौर पर जा रखे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो इसलिए बोलता होता हूँ मैं अक्सर कि ऐसी कोई भी गलती आप मत कीजिएगा, जहाँ जा रहे हैं वहीं काम कीजिएगा, अगर एग्रीमेंट के साथ काम करना है तो फिर भाई एग्रीमेंट के साथ, लोग तो लगे हुए हैं काफ़ी देर से, लेकिन फिर आपको एहतियात भी करनी